अपनी जान को खतरे में डालकर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाले इमरान बहावलपुर से इस वक्त मेरे साथ है, उनसे बातचीत करूंगी। इमरान, ये बताइएगा कि कितने सालों से आप मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं? तकरीबन 20-25 साल से चला रहे हैं। बहावलपुर से कैसे लाहौर आए? बस ये हमारा शो है, इस वजह से आए हैं। ये बहावलपुर की रिहायश है मेरी, तो जहाँ ये हमारी लकी रानी सर्कस लगती है उसके साथ ही हम। कैसे सफ़र शुरू हुआ, क्यों आपने ये चुना कि मौत के कुएं में आपने मोटरसाइकिल चलानी है? बस ये हमारी किस्मत में था, नसीब में था, तो इसलिए ये काम सीख गया हूँ मैं। आपके खानदान में से पहले कोई ये काम करता था? नहीं, माशाल्लाह सारे तबलीगी जमात से हैं, अरबी बिरादरी से मेरा ब्लॉग है, और कोई भी नहीं आया इस फील्ड में, मैं अकेला ही आया हूँ। तो मौत के कुएं में ही मोटरसाइकिल चलाने को क्यों चुना? बस ये देखने के लिए आया था, और देखते देखते मैं खुद ही मौत के कुएं में आ गया। कितने अरसे की ट्रेनिंग हासिल की है? तकरीबन जब ये मैं सीखा था तो मेरे उस्ताद ने 7 साल में सिखाया था। 7 साल में मैं सीखा था। 7 सालों में कितनी दफ़ा बैलेंस आपने अपना लूज़ किया? ये तो गिर भी जाता है इंसान, ये मेरा बाजू टूटा हुआ है, ये देखें, ये मेरी नाक की हड्डी भी टूटी है, ये देखें कि गिर भी जाता है, क्योंकि एक इंसान रोड पे गिर जाता है ये तो फिर मौत का कुआं है ना। तो फैमिली में आपके कौन कौन है? माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है, अभी अल्लाह ने बेटा दिया है, माशाल्लाह 7 माह का हो गया। माशाल्लाह से तो जो आपकी बेगम है और आपके बच्चे हैं, मना नहीं करते कि इस खतरनाक खेल को बंद किया जाए? सब करते हैं, सब घर वाले करते हैं, अब्बू करते हैं, अम्मी फौत हो गई है, अब्बू करते हैं और बच्चे सब करते हैं। बस क्या करें, अभी काम सीख लिया है ना, क्योंकि देखो अभी कोई ड्राइवरी कर रहा है ना, उसको बोलो छोड़ो ड्राइवरी, कोई दूसरा काम कर लो, वो नहीं कर सकता, इसलिए ये हमने मौत के कुएँ का काम सीख लिया है, तो इसलिए यही चला कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे सर्कस के साथ ही रहते हैं, जिस शहर जाना उस शहर जाते हैं? हाँ, बस ये घर वालों की याद नहीं आती पीछे? नहीं, जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब छुट्टी मिलती है हफ्ते में 15 दिन में, जब ये सेटअप आगे चला जाता है तो हम घर चले जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के कितने शहरों में आप अपने हुनर? माशाल्लाह पाकिस्तान पूरे में घूम लिया है, मस्कत ओमान में भी चला गए हैं, सऊदीया में भी चला गए हैं, माशाल्लाह। बस ये हमारी अपील है गवर्नमेंट से, माशाल्लाह ये तफरी है, जो इसको इजाज़त दिया जाए तफरी के लिए, आवाम आती है, खुश होती है, जब चलाते हैं देखते हैं तो आवाम ताड़ियाँ मारती है, हमें इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। तो लड़के बहुत शौकीन होते हैं मोटरसाइकिल चलाने के रोड पर भी, ये तो फिर मौत का कुआं है, तो किसी ने कभी कहा ट्रेनिंग दो हमें इसकी? ना, बहुत कहते हैं, लेकिन ये ऐसी थोड़ी है भाई, ये रोड थोड़ी है या चाय का कप थोड़ी है जो चाय घोल के पिला देते हैं, इसमें 5-6 साल लग जाते हैं सीखने में, और वो इसलिए जो है, जो भी अभी आएगा, इतनी महंगाई का दौर है, सब कहते हैं जो पैसा आना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं देखते ना जो इसमें ट्रेनिंग में टाइम लगता है। 100 रुपये की टिकट है, कितना मुआवजा आपको एक दिन में? माशाल्लाह 2500 रुपया डेली का पर डे का है हमारे। कितने शोज होते हैं उसमें? ये कोई मसला नहीं है, भले सुबह से लेकर रात तक चलता है, रात से सुबह तक चलता रहे, यानी कि वो हमारा एक उसमें आ जाएगा शिफ्ट में। तो अपने बच्चों में से किसी को मुस्तकबिल में यहाँ पर ये टैलेंट सिखाने वाले हैं और चाहेंगे कि वो भी सर्कस में आए और इस खतरनाक खेल का हुनर सिखाए? नहीं सिखाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। क्या वजह उसकी? इस वजह से बहुत मुश्किल है, हम तो इतनी चलो परेशान हो रहे हैं, बच्चों को तो नहीं परेशान करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस काम है। तो लाइव ऑडियंस जब आपको बहुत खुश होती है देख के, तालियां बजाती है, उससे उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा, इतनी इतनी दुनिया हमें देख रही है, खुश हो रही है, तफरी वास्ते आई है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बात पैसे की नहीं होती, बात होती है खुशी की, क्योंकि इंसानों में देख के कितना खुश हो रहा है, तालियाँ लगा रहा है, उसकी वजह से हमें अटोटैस मिलती है खुशी, जितनी हमें खुशी मिलती है शायद उनको भी मिलती है, तो खुशी से ताड़ियाँ लगाते हैं। अभी कितने साल हो चुके हैं आपको यहाँ पर? तकरीबन मुझे ये लकी रानी सर्कस के साथ 5-6 साल हो गए हैं। इससे पहले क्या करते थे आप? इसके पहले मैं सिंध में चलाता था। सिंध में भी लकी रानी सर्कस? नहीं, लकी रानी नहीं जाती थी, वो अलहदा ही है मौत के कुएं, और ये सेटअप के साथ नहीं है, ये तो माशाल्लाह पूरा सेटअप है ना। तो मुस्तकबिल में यही अपना प्रोफेशन रखने वाले हैं? बस इंशाल्लाह ये जो 2-4 साल हैं जिंदगी के यही चलाएंगे, तो फिर तो बस रिटायरमेंट ही है, फिर घर बैठ के कोई काम करेंगे। वैसे आपको ऑडियंस के तौर पर सर्कस में सबसे पसंदीदा शो कौन सा लगता है? हमारा अपना शो अच्छा है, जितना भी भले लकी रानी देख के आओ, ठीक है वो बड़ा इदारा है, उसका नाम है, लेकिन जो भी देख के भी आता है ना, उससे भी पूछ लो ये इस सर्कस में क्या आपको अच्छा लगा है, बेशक बाहर किसी से पूछ लो, कहेंगे ये वेल ऑफ। कितनी देर मोटरसाइकिल चलाई जाती है एक टिकट में, कितना टाइम होता है? जितनी देर मर्जी इनाम देते हैं ना ऊपर से, तो उसे खुशी मिलती है, चला ही जाते हैं, जितना इनाम भले कोई 50,000 लेके खड़ा हो जाए। सबसे ज़्यादा अब तक अपनी ज़िंदगी में कितना इनाम इकट्ठा किया एक राउंड में? हाँ, एक एक स्टेशन जैसे ये लगा हुआ है या यादगार में लगा था, या ऐसे 1,00,000 रुपये भी इकट्ठा हो जाता है, 50,000 भी हो जाता है, और हम 4 आदमी अभी तो 2 मोटरसाइकिल बैग चला रहे हैं ना, पहले 3 चलाते थे, एक हमारा बैग ख़राब हुआ हुआ है वो सेट कर रहे हैं, 3 एक साथ चलाते हैं, एक कार चलती है, गाड़ी चलती है, तो फिर इसमें हिस्से हो जाते हैं, यानी कि 2 लाख आगे में आप 1,00,000 रुपया भी इकट्ठा कर लेते हैं? हाँ कर लेते हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है, इंसान तो किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह अपनी तरफ से देता है।